हेलो फ्रेंड्स मैं सर डॉक्टर मुर्तजा बोरा कंसल्टेंट मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ब्रेस्ट कैंसर जो कि ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड बल्कि इंडिया में भी फीमेल्स में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट या फिर आमपिट यानी कि बगल में किसी भी तरह का लंप या फिर गांठ हो जाना दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री एबनॉर्मल हो जाना ब्रेस्ट की स्किन का रेड हो जाना निप्पल डिस्चार्ज होना निप्पल रिट्रेक्शन और डिम्पलिंग हो जाना ब्रेस्ट कैंसर की चार स्टेज होती है स्टेज वन टू स्टेज फोर स्टेज वन और टू को हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं स्टेज थ्री को हम लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं स्टेज फोर यानी कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर दैट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट के अलावा दूसरी जगह जैसे कि लंग लीवर, बोन ब्रेन एट्सेट्रा में फैल जाना अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग एवं डायग्नोसिस की तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसका मतलब है पेशेंट या फिर नॉर्मल लेडी द्वारा अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि ट्रेंड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर और नर्सेज द्वारा ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना मेमोग्राफी ब्रेस्ट एमआरआई, एफ एंड बायोप्सी के द्वारा काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस संभव है ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज में डायग्नोस हुआ है मेनली थ्री मेथड्स जैसे कि सर्जरी रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी हार्मोन थेरेपी इसके द्वारा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है स्टेज वन एंड टू जैसे कि हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं इसमें पहले सर्जरी के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को बॉडी से रिमूव किया जाता है इसके बाद कीमोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी के द्वारा रिकरेंस के चांसेस को कम किया जाता है स्टेज थ्री जैसे कि हमने पहले बताया था यह लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर इसमें कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को पहले श्रिंक किया जाता है इसके बाद सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है स्टेज फोर जिसे कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं इसमें कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है बट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिम्टम कंट्रोल और ओवरऑल सर्वाइवल को इंक्रीज किया जाता है इससे पेशेंट का जीवन लंबा हो सकता है और एक पेशेंट अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है अब हम बात करेंगे स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में मेनली कन्वेंशनल कीमोथेरेपी थेरेपी टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी के द्वारा स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है कुछ ब्रेस्ट कैंसर केसेस में हम हार्मोन थेरेपी एंड टारगेट थेरेपी जो कि ओरल थेरेपी है इसके द्वारा भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं टारगेट थेरेपी से काफ़ी हद तक कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है और पेशेंट को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जा सकता है सो so प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको स्प्रेड करें और ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस फैलाएं जिससे कि हम काफ़ी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल सर्वाइवर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में इंक्रीज कर सकते हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू